यस, चैप्टर नंबर 11, पार्ट बी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट? जनरली स्पीकिंग द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। मतलब कि अगर ये वर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक दूसरे के लिए यूज़ किए जाते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स हाउ एवर मेक ए डिस्टिंक्शन इन देयर यूज़, दोनों में फ़र्क है। अकॉर्डिंग टू दैम इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द रियल नेशनल और पर कैपिटा इनकम और प्रोडक्ट। ऑन द कॉन्ट्रेरी इकोनॉमिक डिवेलपमेंट रेफर्स नॉट ओनली टू इंक्रीज इन रियल इनकम और प्रोडक्ट बट ऑल्सो इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर। ओवर द लास्ट 20 ईयर्स द इकोनॉमिस्ट हैव पुट फोर्थ अ न्यू कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डिवेलपमेंट कॉल्ड सस्टेनेबल डिवेलपमेंट। मतलब पिछले 20 सालों से ये जो इकोनॉमिक्स डिवेलपमेंट का जो सस्टेनेबल डिवेलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना शुरू हुआ है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तो लॉन्ग टर्म के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, पर जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ा इससे डिफरेंट हो जाता है। बाय सस्टेनेबल डिवेलपमेंट इज मेंट दैट रियल इनकम और प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ एन इकोनॉमी शुड इंक्रीज इन सच ए मैनर। इस तरह से मतलब किसी भी इकोनॉमी के अंदर इस तरह से इकोनॉमिक वेलफेयर भी होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए, इस तरह से कि मेंटेन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस में इंजॉय मैक्सिमम नेट एडवांटेज। कि इस तरह से जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन होना चाहिए कि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी जो रिसोर्सेज को है अच्छी तरह से इंजॉय कर सकें। यही सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो अलग अलग राइटर्स ने दी हैं। आपने मेन जो है इसमें इसी को समझना है कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ दैट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच एम्स ऑफ मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस विदाउट हार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। अब आपको ये शायद क्लियर हो गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो प्रोसेस है जिसमें डेवलपमेंट होती है, तो उसका एम क्या है? मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक तो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होनी चाहिए और प्रेजेंट और आने वाले टाइम के लिए भी, ठीक है। मेन रैशनल बिहाइंड द यूज़ ऑफ दिस कंसेप्ट इज दैट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज इन ऑलमोस्ट ऑल डिवेलप्ड कंट्रीज एंड इकोनॉमिक डिवेलपमेंट इज अंडर डिवेलपमेंट कंट्रीज हैव बीन एट द कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। कि जैसे इन रिसोर्सेज कौन से? अर्थ, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट आर मेड अवेलेबल टू मैन। एनवायरनमेंट मीन्स ऑल दो सस्टेनेबल सिचुएशंस विच इन्फ्लुएंस द लिव्स एंड डिवेलपमेंट ऑफ द मैन। Environment includes non-living things like soil and climate are living things, animals, creatures, plants and trees. भी इनका यूटिलाइजेशन इस तरह से होना चाहिए, एक तो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए और दूसरा आने वाले टाइम के लिए भी इन जो रिसोर्सेज को है इस तरह से यूज़ किया जाए कि आने वाली जनरेशन भी इनको यूज़ कर जाए। तो यही सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है।